स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं रेगिस्तान वर्ड कहूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आप क्या सोचते हैं सबसे पहले? अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो डेजर्ट का नाम सुनते ही, यानी कि रेगिस्तान का नाम सुनते ही मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पर रेत ही रेत होगी और कुछ ऊंट भी होंगे। लेकिन पता है, जब मैंने इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत सारी अच्छी बातें पता चली, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता चली। इसलिए आज के लेक्चर में मैं आपसे वो सभी बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स, इस फिजियोग्राफिक डिवीजन को समझने के लिए आप पहले इंडिया के मैप पर फोकस कीजिए। ये जो इंडियन डेजर्ट है, ये मेनली आपको राजस्थान साइड ही मिलेंगे। अगर मैं स्पेसिफिक तरीके से लोकेशन के बारे में बात करूं, तो ये जो इंडियन डेजर्ट है ना, ये आपको अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन्स की तरफ मिलेंगे। दोस्तों, आप सबके लिए इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए मैं आज आपको इंडियन डेजर्ट से रिलेटेड बस चार बातें बताऊंगी। और पता है, अगर आप इन चारों बातों को याद रखेंगे तो आपको फ्यूचर में इस टॉपिक में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात जो आपको इंडियन डेजर्ट से रिलेटेड याद रखनी है वो ये है कि इंडियन डेजर्ट में रेत ही रेत है, इसीलिए हम इस रीजन को सैंडी प्लेन्स कहते हैं। पता है, यहाँ पे रेत इतनी ज्यादा है कि इंडियन डेजर्ट में रेत के पहाड़ पाए जाते हैं जिन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडियन डेजर्ट एक ड्राई रीजन है, ये बहुत ही सूखा रीजन है, क्योंकि पूरे साल में यहाँ 150 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। पता है, स्मॉल रिवर स्ट्रीम्स तो हमें सिर्फ रेनी सीजन में ही दिखाई देती हैं, क्योंकि रेनी सीजन के बाद जब ये रीजन फिर से सूख जाता है तब इतनी ज्यादा रेत के होने से रिवर्स डिसअपीयर हो जाती हैं। कहते हैं कि इंडियन डेजर्ट की लार्जेस्ट रिवर का नाम है लूनी। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात जो आपको इंडियन डेजर्ट से रिलेटेड हमेशा याद रखनी है वो ये है कि इंडियन डेजर्ट के जो सैंड ड्यून्स है ना, जो रेत के पहाड़ है, उनकी शेप काफी अलग है। वो नॉर्मल पहाड़ की तरह नहीं है, उन्हें हम क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स कहते हैं। क्रिसेंट का मतलब होता है सेमी सर्कल, ये एक शेप का नाम है। आप फिगर में देखिए, आपको पता चलेगा कि इंडियन डेजर्ट की क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स किस तरीके से दिखाई देती हैं। दोस्तों, इन्हीं क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स को हम बर्चन्स भी कहते हैं। पता है, कुछ लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स भी हैं यहाँ, यानी कि कुछ ऐसे रेत के पहाड़ हैं जो वर्टिकल शेप के हैं, उन्हें हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स कहते हैं। ये लेकिन हमें मेनली इंडो पाकिस्तान की बाउंड्री पर ही मिलते हैं। लास्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि दोस्तों, इंडियन डेजर्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण, जैसे कि हमें पता है कि ये एक सूखा रीजन है, यहाँ बहुत ही कम रेनफॉल होती है, यहाँ पे रेत ही रेत है, इसीलिए इस रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम है। इसी के साथ मैंने आपको चारों बातें बता दी, है ना बहुत आसान। ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक को भी आसान बनाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।